आज हम हिस्टोलॉजी uh, और साइटोलॉजी पे थोड़ा सा पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ सिंपल फॉर्म में अगर बोले साइटोलॉजी होगी स्टडी ऑफ सेल सो हिस्टोलॉजी इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट साइटोलॉजी जब तक आप सेल को नहीं जानेंगे सेल को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो है वो टिश्यू के बारे में uh, नहीं जान पाएंगे क्योंकि टिश्यूज़ जो बनता ही है वो सेल से ही बनते हैं और सेल किस से चीज़ से बनते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिल से बनता है सो so, ये सामान्य एक सेल है आ, आपको लग रहा होगा कि ये तो एक अजीब सा से सेल है जिसके ऊपर सीलिया भी निकला हुआ है तो पॉसिबल है बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह हैं बहुत सारे मथीरियल टिश्यूज़ हैं जहाँ पर सेल्स होती है वो सीलिएटेड सेल्स भी होंगे और माइक्रोविलाई वाले सेल्स भी होंगे विदाउट सीलिया और माइक्रोविलाई के सेल्स भी होते हैं और डिफरेंट शेप्स के भी सेल होते हैं जिसमें स्कोमस है कॉलमर है कि है वो चीज़ें हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक्स के बारे बारे में भी हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे अभी सिंपल आपने ये जाना जानना है कि सेल के कौन कौन से पार्ट है सेल के जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेल के जो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द सेल ही है जो सेल को सराउंडिंग uh, से वो डिवाइड करके रखते हैं और मेम्ब्रेन uh, ही है जो बहुत सारे पार्टिकल्स uh, को बहुत सारे ऑर्गेनिक्स बहुत सारे uh, चीजों को आइंस को अक्रॉस द सेल ट्रेवल करने की परमिशन देते हैं सो सेलमब्रेन इज ए सीमी परमिबल इट हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आइंस इन अदर सब्सटेंसिस इन द सेल एंड फ्राम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो सेल के अंदर वाला है जो लिक्विड कंपोनेंट है ठीक है जो सेल है फॉर एग्जांपल तो इसके बाई ये हो गया सेल ब्रेन और इसके अंदर जो है दिस इज़ द लिक्विड मटेरियल जो लिक्विड मटेरियल है उसको हम जो है वो साइटोसोल कहेंगे और इसके अंदर जो फिलेमेंट्स होते हैं बाकी के ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम साइटोसिकलेटन बोलेंगे इन दोनों को कंबाइनली अगर मिला के कहें तो दैट इज़ द प्लाजम इसको हम जो है वो सैटो कहेंगे अब हम ढूंढते हैं कि यहाँ पर साइटोप्लाजम कहाँ पर है सो दिस इज़ वट विकॉल इज साइटो साइटोप्लाज्म अब साइटोप्लाज्म ये जितने भी फ्लूड्स हैं इसको हम जो है वो साइटोप्लाज्म कहते हैं तो इसके अंदर जो फ्लेमेंट्स हैं इसलिए ये सारे फ्लेमेंट्स हैं ठीक है सो ये चीज़ें हैं उनको हम साइटोस्केलेटन बोलेंगे जो सेल को सपोर्ट करता है और जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो फ्लूड है दैट इज साइटोसोल ये चीज़ें भी आपने याद रखना होता है उसके बाद साइटोप्लाज्म तो के अंदर की जो चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो वो जो मेन रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर जो सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर, uh, कर, 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 करता है जो सेल के सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनज को कंट्रोल करता है जो सेल के स्ट्रक्चर जो सेल के फंक्शन हर चीज़ को जो कंट्रोल करता है यानी हेड क्वार्टर ऑफ द सेल जो है दैट इज़ द सेल न्यूक्लियस जिसको हम सेल का न्यूक्लियस बोलेंगे ठीक है तो डेंस स्ट्रक्चर है कभी सेल के अंदर सेंटर में पाया जाता है कभी थोड़ा सा पैरीफ्री पर पाया जाता है सो इसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट जगहों पर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ठीक है so सो इससे आपने परेशान नहीं होना उसके बाद सेल जो सेल न्यूक्लियस है उसके अंदर भी एक डेंस स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस ठीक है और जो सेल मेम्ब्रेन के जो आउटर लेयर है कवरिंग है दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर जो क्रोमेटिन होता है जो डीएनए के स्केटर्ड पार्ट्स होते हैं जो उसको हम बोलता है क्रोमेटिन सो क्रोमेटिन इज द स्केटर्ड कंडेंस नहीं होता नॉन कंडेंस स्ट्रक्चर नॉन कंडेंस डीएनए इन द न्यूक्लियस दैट इज व्हाट वी एज क्रोमेटिन। उसके बाद जो उस न्यूक्लियस है इसके बिल्कुल जुड़ा हुआ एक चीज स्ट्रक्चर होता है जो जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो जुड़ जाता है सो इसको हम कहते हैं एंटीपलाजमिक रेटिकुलम अगर इसके ऊपर राइबोसोम सटेज हैं सो उसको हम कहेंगे रेफ एंडो रेटिकुलम अगर राइबोजो अटेश नहीं है तो आप उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब हम यहाँ ढूंढते हैं कि कहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सो ये यू कैन सी हियर दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो कि बाहर की तरफ भी जा रहा है और इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे येलो किस्म के येलो या ओरेंज और येलो टाइप के जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं उनको हम बोलते हैं रेबेजोम्स सो अगर ये प्रेजेंट है सो इट इज व्हाट वी कॉल इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है मेनली उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोई रेबेजोम नहीं है जो बिल्कुल खाली है से, तो उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका मेन फंक्शन लिपिड सिंथेसिस है से। उसके बाद इसी से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है आ, जो कि सेल के अंदर होते हैं जिस नियर द न्यूक्लियस होगा और ये तकरीबन सम व्हाट सिमिलर स्ट्रक्चर टू देर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकिन इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम वगैरह कुछ भी अटैच नहीं होता ठीक है ना ही ये हमेशा जो है वो न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा ठीक है तो उसको हम कहते हैं गोल्जी ऑपरेटर गोल्जी ऑपरेटर का दूसरा नाम पोस्टमैन ऑफ द सेल है सो पोस्टमेन इसलिए क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ सिंथेसिस हो गया ना यहाँ पर प्रोटीन है यहाँ पर बहुत सारे मटीरियल से हारमोनस से कुछ भी है जो सेल ने सेंथिसाइज किया सेल ने बनाया अब क्या ये वजिकल्स के फॉर्म में यूँ कट जाएगा फिर उसके बाद इसको बोलते हैं विजिकल्स सो ये वजिकल जो है धीरे धीरे बाहर जाएगा जाके ये सेल मेम्बर के साथ होगा ठीक है जब सेन मेबर के साथ अटैच होगा तो इसके अंदर जो वेजिकल्स है वो यूँ निकल के बाहर चला जाता है ठीक है सो एक तरफ से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर लें सो इट इज़ ऑल्सो कॉड इज अ पोस्टमेंट सो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द गुलजीप्रेटस सो so, इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो कि वेजिकल्स बनाए हैं सो so, इन वजिकल्स को कहते हैं सेक्रेटरी वेजिकल्स क्योंकि चीज़ों को अंदर से बाहर लेके जाते हैं और बाहर फिर जो है वो बाहर जाके हो सकते हैं सेल के करीबी जो सेल है उसको रिक्वायर्ड हो हो सकते हैं ब्लड में इसने बेचना हो ठीक है तो वो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ये चीज़ें जो है वो बेच देते हैं उसके बाद आते हैं लाइजोजोम्स की लाइजोजोम जो है वो एक जनरेटर या अब कह है सकते हैं कि एक मशीन की तरह होता है इसके अंदर कुछ भी डालो वो उसको ख़त्म कर देगा खत्म कर डिस्ट्रॉय कर लेता है ठीक है सो तो कैसे करेगा इसके अंदर जो है वो हाइड्रोलेज या हाइड्रोलैटिक इन्जाइम्स होते हैं ठीक है जो हाइड्रोलेज इन्जाइम होगा वो डिस्ट्रॉय करता है किसी भी पार्टिकल्स को जो इसके अंदर आते है इवन लाइसोजोम्स के लाइसोम जो है वो डैमेज पार्टिकल डेथ टी या डैमेज जो ऑर्गेनिक्स होते हैं सेल के अंदर उनको भी आ, खा जाता है उनको भी डिस्ट्रॉय कर लेता है ठीक है और कुछ भी आ जाए इसके अंदर तो ये उसको डाइजेस्ट करता है इसीलिए द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द सेल ज़ कैर बाई दाइसोजोम ही है जो डाइजेशन का काम करता है सेल के अंदर इसके बरक्स अगर हम देखा जाए तो प्रोक्सीसोम्स ठीक है परोक्सिसोम को थोड़ा सा अकल है तो ये हर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करता जो इसके अंदर आता है सो so, ये उन चीज़ों उन को जो सेल के लिए हार्मफुल है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड की तो ये एक हार्मुल रेडिएक्टिव मटीरियल सस्टेंस है ठीक है सो so, हाइड्रो हाँग, हाइड्रोजन परॉक्साइड इसको डिस्ट्रॉय करेगा इसको कन्वर्ट करेगा किस में वाटर में और ऑक्सीजन में अब वाटर भी बेनिफिशल है और ऑक्सीजन भी बेनिफिशल है सो प्रोसीसोम्स क्या करता है इट कन्वर्ट द हार्मुल मटीरियल हार्मफुल सब्सटेंसिस इन साइड द सेल इन टू ए बाई प्रोडक्ट दैट विल बी यूजफुल टू द सेल ठीक है हार्मफुल को यूजफुल में कन्वर्ट करते हैं जबकि लैसेस हम हर चीज़ को स्ट्राई करते हैं इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक लेते हैं जिस दा माइटोकोंड्रे माइटोकोंड्रे का काम क्या का है माइटोकोन्डर का काम का 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 एनर्जी प्रोडक्शन ले ए टी पी सेंथिसिस करते हैं ठीक है एडिनोसिन ट्राईफॉसफेट बनाता है और ये uh, इनर्जी uh, जो है वो सेल इस्तेमाल करता है सेलिविजन में इस्तेमाल करते हैं सेल मेटोलिजम में इस्तेमाल करते हैं ठीक है बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें यह है वो ये इनर्जी इस्तेमाल होते हैं उसके बाद जो है वो और भी एक दो फंक्शन है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद अब हम आते हैं सेंट्रल और सेंट्रल सोम की सो ये देखो ना अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर दो रोड्स में फिक्स कर लेता हूँ ठीक है सेंट्रल में तो जो जो सेंट्रल में पार्ट है दैट इज़ सेंट्रो सेंट्रियोल जिसको हम सेंट्रोल कहेंगे और इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहेंगे सो इन इन इजी वर्ड्स सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है ये माइक्रोफिलामेंट से ट्यूबवेल से बना होता है और ये सेल डिवीजन में मदद करता है ठीक है तो द मेन फंक्शन ऑफ द सेल द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम इज हेल्प इन द सेल डिवीजन उसके बाद इसे मूवमेंट में भी सम वट ये हेल्प करता है ठीक है सो मेन फंक्शन जो है वो सेल डिवीजन ही करता है उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद जो है वो माइक्रोविलाई है माइक्रोफिलमेंट्स है ठीक है जो माइक्रोफिलेमेंट्स से है वो सेल को सपोर्ट करता है और माइक्रोविलाई यूजुअली छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होती है सेल के ऊपर खासतौर पे ये यह माइक्रोविलाई जे सिस्टम के सेल्स में पाया जाता है जहाँ पर ये एबजॉपशन में हेल्प करते हैं इक्रीज़ करते हैं सर्फेस एरिया को एबजॉप्शन के लिए सो माइक्रोविलाई जे आई में यूजली पाए जाते हैं डीज आर द स्माल स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ द सेल ममरी उसके बाद इससे जो थोड़े छोड़े थोड़े थोड़े बड़े जो होते हैं दैट इज़ द सीलिया उनको बड़े सीलिया कहेंगे सीलिया भी जो है वो समट मूवमेंट में हेल्प करता है और ये यूजली मूव करता रहता है हमेशा ठीक है यूँ 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 मूवमेंट करता रहता है तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है चीज़ें इधर से उधर उधर से इधर शिफ्ट होता है फॉर एक्ज़ाम्पल अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी पिथीलियम में ठीक है जो सांस की नालियाँ हैं उनकी बात करते हैं तो सांस की जो नालियाँ हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चर सेल होते हैं वो ऐसे ऐसे कोलमदर सेल्स होते हैं ठीक है थीके? इनके ऊपर जो है वो सीलिया होगा तो ये सीलिया के मूवमेंट जो है वो वो यूँ होती है यूँ नीचे से ऊपर ठीक है नीचे से ऊपर तो जितने भी म्यूकस होता है डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको ये अंदर से यूँ लेके बाहर की तरफ जाते हैं ऐसे ठीक है सो इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स म्यूकस में म्यूकस जो सिक्रिशंस होती है उनको अंदर से बाहर की तरफ ले जाते हैं ताकि अंदर ट्रेप ना हो अंदर रहे ना और इस तरह जो है वो विंड पाइप की जो सांस की नाली है उनकी सफाई जो है वो करता रहता है ठीक है सो ये हो गया सम पॉइंट्स अबाउट द सेल बाकी हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे थैंक यू